हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव और आपके लिए दोस्तों मैं आज बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। एक पैकेट है मेरे पास, इसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे ऐसी कौन सी चीज़ है यहाँ पर जो आपके प्लांट्स को हैप्पी करने के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा ब्लूम प्रोड्यूस करने में भी मदद करेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक बोगनविलिया है, बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है और ब्लूम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या निकल जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम पैकेट खोल लेते हैं और दोस्तों इसके अंदर दो टाइप के फर्टिलाइज़र है, एक तो ब्लूमस्टिक है और एक ग्रीनस्टिक है। और ये प्रोडक्ट हमारे पास लेज़ी गार्डनर की तरफ से आया है। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा और अगर आपको ये फर्टिलाइज़र परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है और उनकी इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह सारी डिटेल मैं आपको शेयर कर दूँगा, तो आप डायरेक्टली जाकर उनसे बात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पैकेट के अंदर क्या निकल जाता है। अगर पैकिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से करी गई है, नीट एंड टाइडी पैकिंग करी गई है जिसने हमें काफ़ी इम्प्रेस भी करा है। यहाँ पर हमें दो टाइप के फर्टिलाइज़र देखने को मिलेंगे, एक तो रेड स्टिक और एक मिलेगा हमें ग्रीन स्टिक। दोनों का ही काम अलग अलग है, वो मैं आगे आपको शेयर करूँगा। ऑल यू नीड इज़ सेल्फ लव फ्रॉम लेज़ी गार्डनर, यहाँ पर दोस्तों एक टैग लाइन भी दिया है उन्होंने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन स्टिक जो कि है ग्रीन कलर की। ग्रीन स्टिक आप इंडोर प्लांट्स के लिए, लीफी प्लांट्स के लिए, मनी प्लांट्स के लिए, सब्जियां वेजिटेबल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेड स्टिक आप जब भी किसी प्लांट में फ्लावर खिल रहा हो या फिर उसके अंदर फ्रूटिंग पैदा हो रही हो तब यूज़ करें। हमारे मॉडर्न फर्टिलाइज़र कुछ इस तरह से नज़र आते हैं दोस्तों और इन्हें यूज़ करना भी बहुत आसान है। चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे हम इन्हें यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ पर। ये हमारे ब्लूम स्टिक और ग्रीन स्टिक का बैक साइड है, यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन है, आप डेफिनेटली इसे रीड आउट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर हम व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू लेज़ी गार्डनर को कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बन जाते हैं लेज़ी गार्डनर और देखते हैं किस तरह से हम फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे इंडोर प्लांट्स के अंदर, उसके बाद हम ब्लूम स्टिक को यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ग्रीन स्टिक रखी हुई है हमारे सामने, मतलब ग्रीन ग्रीन प्लांट्स या फिर लीफी प्लांट्स या फिर वेजिटेबल प्लांट्स। अगर ड्यूरेशन की बात करी जाए तो कम से कम 1.5 महीने से 2 महीने तक आपको नेक्स्ट स्टिक का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर हमारी ग्रीन स्टिक की जो पैकिंग करी गई है वो बहुत ही रिजिड है, ईजिली ये फर्टिलाइज़र बाहर नहीं गिरेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और आपकी स्टिक्स जो है वो इजीली टूटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पैकिंग बहुत ही अच्छी करी गई है, वेरी हाई क्वालिटी पैकिंग करी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें काफ़ी समय लग गया यहाँ पर स्टिक्स निकालने में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्लांट को फर्टिलाइज़र कैसे देना है इन स्टिक की मदद से। अगर आपके पास 10 इंच का पॉट है तो आपको पूरी की पूरी एक स्टिक ये वाली आपको इंसर्ट करनी होगी अपने पॉट के अंदर। अगर उससे छोटा या बहुत छोटे छोटे पॉट्स है, पहले आप यहाँ पर देख लें करीब करीब ये 8 से 10 इंच के आसपास का पॉट है, तो सिंपली आप इस स्टिक को लीजिए और इसको दो में ब्रेक कर दीजिए ताकि हम दोनों एंड पॉइंट पे हम इसे इंसर्ट कर सकें। तो आप पॉट के एक साइड में आप इंसर्ट कर लीजिए और दूसरी वाली स्टिक को भी आप पॉट की दूसरी तरफ इंसर्ट कर लीजिए। आप चाहें तो इसे बिना ब्रेक करे हुए भी पॉट के किसी भी कोने में लगा दीजिए, प्लांट न्यूट्रिशन सॉइल के अंदर से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पर हमने फर्टिलाइज़र लगा दिया है तो इमीडिएटली आपको अपने पॉट में पानी पिलाना होगा और अच्छे से पानी पिला दीजिए जिससे इसका डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और प्लांट अपना न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर दे। अब सिमिलर केस में दोस्तों हम हमारे स्मॉल स्मॉल पॉट के अंदर जो प्लांट होते हैं उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। सिंपली आप ग्रीन स्टिक लीजिएगा और उसे 2 हिस्सों में ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि हमारा स्मॉल पॉट है इसलिए हम उसे हाफ ऑफ करके ही डालेंगे। अब बस सिंपली हाफ स्टिक लीजिए और अपने पॉट के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। अब आप ग्रीन स्टिक का यूज़ तो कर चुके हैं, अब आपको इमीडिएटली इसमें वाटर डालना पड़ेगा ताकि ये फर्टिलाइज़र डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाए और प्लांट उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा अपनी ग्रीन स्टिक को कैसे यूज़ करना है। चलिए अब देखते हैं ब्लूम स्टिक जो कि रेड स्टिक है उसे कैसे यूज़ करते हैं। अब हमारे सेकंड फर्टिलाइज़र पर आ गए हैं जो कि है ब्लूम स्टिक। यहाँ पर अगर आपके फ्लावर ड्रॉपलेट्स होते हैं या फिर फ्रूट नहीं बन रहे हैं किसी भी प्लांट के अंदर या फिर कोई ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जैसे कि पिटूनिया, वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, तो उसके लिए दोस्तों ब्लूम स्टिक बनी है जो कि होती है रेड कलर की। चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करना है और कितने बड़े पॉट में उसे यूज़ कर सकते हैं और कितने क्वान्टिटी में। यहाँ पर हमारे पास ब्लूम स्टिक है जो कि लेज़ी गार्डनर की तरफ से आया है। सो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और उनसे कांटेक्ट करके आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर परचेस कर सकते हैं और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रिलेटेड हो तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी।
अब बात करते हैं रेड स्टिक को कैसे यूज़ करना है, ब्लूम स्टिक को कैसे यूज़ करना है। अगर प्लांट बहुत ज़्यादा हैवी फीडर है, जैसे कि टमेटो प्लांट या फिर पिटूनियाज या फिर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी फीडर होते हैं, तो उनके अंदर आप दो स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। और पॉट की साइज़ मिनिमम 10 से 12 इंच होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर आप बोगनविलिया देखें, ये इतना हैवी फीडर नहीं होता है, इसलिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टिक का यूज़ करेंगे। बट स्टिक को यूज़ करने का तरीका भी आप देख लें। आप एक स्टिक लीजिए, उसके दो हिस्से कर दीजिए, जिससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और प्लांट को ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का। अब आप दोनों साइड में उसे इंसर्ट कर लीजिए और वाटर देने के बाद आपका काम ख़त्म। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं हमने कितने आसान तरीके से किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज़र दिया। अब दोस्तों देखते हैं टमेटो प्लांट में मैं आपको दो ऑप्शन बताऊंगा, एक तो हम लेजी गार्डनर के थ्रू फर्टिलाइज़र दे रहे हैं और एक हम जो वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग होता है वो देते हैं, दोनों में कितना फ़र्क है आप देखें। यहाँ पर रेड स्टिक का यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि दोस्तों ये फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है किसी भी प्लांट को। आपको सिर्फ और सिर्फ दो स्टिक लेनी है अगर 15 इंच का पॉट है, और आप सिंपली उसे इंसर्ट कर लीजिए बस, और आपका काम ख़त्म। आपका जो फर्टिलाइज़र देने का समय था वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय था। अब यहाँ पर आप सिंपली वाटर दीजिए और बस, अब फर्टिलाइज़र को अपना काम करने दीजिए। अब चलिए चेक करते हैं हम वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कैसे देंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप होगा वर्मी कंपोस्ट और सॉइल लीजिए, उन्हें मिक्स करिए, थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, अगर आप मॉडर्न फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो वो बहुत ही कम समय में आपके प्लांट को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करता है। जितनी देर में हमने फर्टिलाइज़र दे दिया उतनी देर में हम सिर्फ और सिर्फ सॉइल को ही मिक्स कर रहे थे। सो दोस्तों आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा किस तरह से प्लांट को फर्टिलाइज़र देना है, ब्लूमस्टिक और ग्रीनस्टिक का यूज़ कैसे करना है। आपको लेजी गार्डनर फर्टिलाइजर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें और वहाँ से आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और हमारा मॉडर्न फर्टिलाइज़र भी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।